दोस्तों एक छोटी सी खुशखबरी देना चाहता हूँ। रेडिगो की जो भी वीडियो आएगी मैंने उसके लिए एक स्पेशल चैनल बनाया हुआ है सौरभ कृष्णात्री करके, आप वहाँ जाइए। लिंक मैं इसलिए डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल सकता, खुद से ही अपने लिंक चैनल का मैं प्रचार करूँगा तो यूट्यूब से एक स्ट्राइक वगैरह आ जाती है, इसलिए मैं लिंक नहीं डाल सकता वीडियो में, ठीक है। तो आप जाइए सौरभ कृष्णात्रेय और उसको सर्च कीजिए, आपको रेडिगो की हर एक वीडियो मिलेगी वहाँ पर, और आप जो भी बोलोगे मैं वो वीडियो डालूँगा आपके लिए। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और अच्छी सी वीडियो में। मैं आशा करता हूँ आप अपने घर पर ठीक होंगे, अपने परिवार के साथ खुश होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टार्टिंग प्रॉब्लम है इस गाड़ी में, निसान माइक्रा। इसका पहला पार्ट मैंने डाला हुआ था, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। पहले पार्ट में मैंने आपको दिखाया था इग्निशियन कैसे ऑन होता है, ठीक है। ये लॉक सेट आज हम चेंज करेंगे और चेंज करके गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये सारी फिटिंग जो खुली हुई है इनको भी मैं दिखाऊंगा एक एक करके ये कैसे कंप्लीट होती है, ठीक है। तो चलो यार, इंजन कंपार्टमेंट के बारे में भी मैं बता देता हूँ। ये इसका होता है इंजन कवर, देखिए निशान लिखा हुआ है, ठीक है। बैटरी हो गई, ये IPDM होता है ये, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर फ्यूज़ होते हैं इंजन कंपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट इसके अंदर होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी होते हैं, ये होता है 10 एम्पियर का हॉर्न का फ्यूज़, ठीक है। और ये होता है फैन का, डैटसन गो में होता है 50 एम्पियर का, और ये यहाँ पर है, सॉरी इसमें माइक्रा में होता है 50 एम्पियर और डैटसन गो में होता है यहाँ पर 40 एम्पियर का, ठीक है। ये है इंटेलिजेंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल IPDM, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये दोस्तों इस इंजन कंपार्टमेंट में जितने भी कंपोनेंट हैं इलेक्ट्रिकल, उनको ज़्यादा सप्लाई ना चली जाए, या मतलब सप्लाई को मेंटेन करता रहता है कि किस कंपोनेंट को कितनी सप्लाई चाहिए, ठीक है। तो ये अभी मैं बस वो सारी चीज़ें अंदर की बता देता हूँ, मुझे लगा कि माइक्रा के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ। दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, ये स्टेरिंग लॉक को लगाने के लिए, उस दिन मैंने इसलिए नहीं लगाया था दोस्तों, ये जो होते हैं ना ये बोल्ट, इसमें वन टाइम यूज़ होते हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं ये, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं यार, एक बार वन टाइम यूज़ ही होते हैं। तो ये बोल्ट उस टाइम पे थी नहीं, इस वजह से मैं गाड़ी को स्टार्ट करके नहीं दिखा पाया, ठीक है। आज प्रॉपर पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, पर इसके लिए पहले हमें ये एयरबैग मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल नहीं है, एयरबैग ड्राइवर एयरबैग है, इसको खोलना पड़ेगा। और इसको खोलने के लिए यहाँ देखिए, ध्यान से देखना आप, ये देख रहे हैं, ये सॉकेट दिख रहा है बोल्ट, ये बोल्ट एक इस तरफ है, इस तरफ और एक उस तरफ है, दोनों खुल के ये एयरबैग बाहर आ जाएगा, फिर स्टेयरिंग को खोलेंगे, यहाँ पर पूरा स्पेस बन जाएगा हमें काम करने के लिए, ठीक है। इसको खोल लेते हैं फिर मैं दिखाता हूँ। बोल्ट रिमूव हो गए हैं, अब इसको खोलते हैं हम, निकालो। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान से देखना दोस्तों, ये एयरबैग का कनेक्टर है, इसको बड़े ध्यान से निकालना है, अगर आप झटका मार दोगे ना हमें पता भी नहीं चलेगा वायरिंग के अंदर। और ये एयरबैग की लाइट यहाँ क्लस्टर मीटर में आना स्टार्ट हो जाएगी, और हम कंफ्यूज रहेंगे कि यार ये लाइट आई किस वजह से, हमें फिर ये वायर भी चेंज करना पड़ेगा और ये एयरबैग भी, ठीक है ना। तो ये बड़े ध्यान से निकालना है हमें। तो ये पहले कनेक्टर निकलता है, फिर ये आराम से उठ जाता है, ठीक है, ब्लैक कलर का कनेक्टर, और ये मॉड्यूल जो है ये एयरबैग बाहर हो जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद ये स्टीयरिंग का बोल्ट खोल देंगे हम, ये वाला बोल्ट खोल के स्टीयरिंग बाहर आ जाएगा। मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, ये देखिए दो कनेक्टर होते हैं हल्के हल्के से, ये इसमें जाके वो बैठ जाता है एयरबैग का कनेक्टर। कभी अगर आप अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग निकालें तो इस तरीके से पहले चारों तरफ स्टीयरिंग के सही से हाथ मारें, और ये देखिए बड़े आराम से बाहर निकल जाएगा। और दोस्तों ये होती है इसकी क्लॉक स्प्रिंग, ठीक है ना। ये जो लगा हुआ है ना कनेक्टर, ये हॉर्न का ही है, ठीक है। तो ये स्टीयरिंग में लगा होता है, तो ये क्लॉक स्प्रिंग होती है, ये हॉर्न से रिलेटेड ही होता है ये पार्ट भी। अब यहाँ पर दो पेच लगे होते हैं, पहले ही खोल चुका था मैं, इसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। कैसे इसको बचा सकते हैं आप, अपने 4-5 हज़ार रुपये बचा सकते हैं अगर ये ख़राब हो जाए तो, रिपेयर करना सिखाया मैंने उसमें। अब देखिए यहाँ पूरा स्पेस हो गया है इस स्टीयरिंग लॉक को खोलने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ खुलेगा कहाँ से, एक ये बोल्ट है, एक ये बोल्ट है,
ठीक है। अब मैं ये नए बोल्ट क्यों मंगाए, मैंने इसीलिए मंगाए, देखिए एक बार ये टाइट हो जाते हैं ना तो खुलते नहीं हैं। ये वाला तो आराम से थोड़ा बहुत खुल गया था, बट ये खुला ही नहीं था। और जब इसको हम खोलते हैं ना छेनी वगैरह से, तो ये यार ख़राब हो जाता है बुरी तरह। दोबारा देखिए यूज़ नहीं हो पाएगा ये, इसीलिए हम नया बोल्ट ऑर्डर करते हैं, ठीक है ना। तो अभी जब मैं नया लगाऊंगा तब दिखाता हूँ। अब इस स्टीयरिंग लॉक के बोल्टों को खोलने के लिए दो टूल चाहिए जो स्पेशल होते हैं हमारे पास, एक ये छेनी टाइप चोंचदार सा और एक छोटा सा हैमर, ठीक है। तो इन दो चीज़ों से हम खोलेंगे। तो ये देखो दोस्तों, ये ऐसे खुलता है, आराम से खुल के बाहर आ जाएगा ये दो बोल्ट। अब इसकी हालत मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो दूसरा भी देना जरा भैया, ये हैं वो दोनों बोल्ट। अब बताइए अगर हम इसको टाइट करेंगे तो कैसे टाइट होगा, इसलिए हम नए बोल्ट ऑर्डर करते हैं, ठीक है ना। देखो ये है वो स्टीयरिंग लॉक पुराना वाला, ठीक है। ये क्या होता है ना दोस्तों, यहाँ पर जाकर ना अंदर एक स्प्रिंग होती है इसके, ठीक है, वो क्या होता है स्टक कर देती है पूरे सिस्टम को इसको, ठीक है। कोई अगली वीडियो बनाऊंगा तो इसको खोल के पूरा बताऊंगा इसके अंदर होता क्या क्या है, ठीक है ना। अगर आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे इसको खोल के दिखाओ तो मैं पक्का दिखाऊंगा आपको खोल के इसके अंदर होता क्या क्या है, जो 35,000 रुपये का है ना। नया वाला रख दिया, अब रखने के बाद ये बोल्ट आराम से वहाँ पर टाइट हो जाएंगे जाके। इसको यार कभी ना हमने बोल्ट इसीलिए ही मंगाया, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो हैमर हैमर से मार मार के हमने खोला है क्योंकि ये ख़राब हो चुका, बट अगर इसको हम ऐसे हैमर मार के टाइट करते हैं तो ये भी स्टक हो जाएगा। ये होता है इसी वजह से, झटके वटके लगते हैं, ठीक है ना। तो ये बोल्ट ये लगा दिया करके, बोल्ट वोल्ट टाइट कर दिया, अब हम लगाएंगे क्लस्टर मीटर इसका गाड़ी का, और लगा के अब गाड़ी स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। पहले तो होगा इग्निशन ऑन होगा, टर्मिनल बैटरी का हमने खोला हुआ था, ठीक है, टर्मिनल को टाइट करेंगे। तो ये टर्मिनल टाइट कर लेना दोस्तों, कभी भी कोई काम करें तो नेगेटिव टर्मिनल को खोल लेना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ होती हैं मैक्सिमम। तो यार क्लस्टर मीटर लग गया है, लगने के बाद एक बार देख लेते हैं। हाँ ये देखिए इग्निशन ऑन हो गया, लाइट आ गई इसमें, ठीक है। ये देखो अब क्या करेंगे, इसकी थोड़ी यार बैटरी सी डाउन हो गई है मुझे लग रहा है, अभी हम बैटरी टच करेंगे, टच करके गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने का प्रोसेस क्या है, क्लच पैडल को प्रेस करना है, क्योंकि उसमें क्लच स्विच होता है, वहीं से ही ECU को सिग्नल जाते हैं, तब गाड़ी के पास ECU सेल्फ को स्टार्टर मोटर को सप्लाई देता है, तब वो एक्टिव होता है, एक्टिव होने के बाद गाड़ी को इंजन को स्टार्ट करता है, ठीक है। तो अगर क्लच पैडल हम नहीं दबाएंगे तो कितना भी हम सेल्फ मार लें, कितना भी प्रोसेस फॉलो कर लें, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो बस दिखाता हूँ। तो यार वो देखो बाहर महेंद्र भैया खड़े हैं, वो बैटरी के वो जो होते हैं जंप वायर वो लगा रहे हैं, लगाने के बाद वो मुझसे बोलेंगे गाड़ी स्टार्ट करो, तो मुझे करना पड़ेगा क्लच पैडल दबा के उस बटन से इसको स्टार्ट करूँगा मैं। तो अब इस गाड़ी की प्रॉपर फिटिंग होगी, अभी इस फिटिंग को करने से पहले ना यार स्टार्ट करके देखेंगे गाड़ी को, वैसे तो स्टार्ट 100% हो ही जाएगी मुझे पता है, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं, पहले क्या करना है क्लच पैडल दबाना है, वहाँ पर क्लच स्विच होता है इसलिए क्लच पैडल को ज़रूर दबाना होता है। अब स्टार्ट करते हैं, इग्निशन ऑन, और ये लो गाड़ी स्टार्ट, मज़ा आ गया भाई। अभी मैं बाहर दिखाता हूँ इंजन, तो ये देखो इंजन स्टार्ट हो गया है, बैटरी डाउन थी इसकी, इस वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी पहले, ठीक है। हमने स्टीयरिंग लॉक स्विच डाल दिया, डालने के बाद अब ओके। अभी इसमें देखिए छोटी सी आवाज़ आ रही है, ठीक है, वो बताऊँ वो टाइमिंग बेल्ट की होती है, वो ज़्यादा रस्टेड हो जाती है ना तो वो आवाज़ आने लग जाती है। अब उस आवाज़ को कैसे बंद करेंगे, यहाँ देख रहे हो ये छेद, इसमें क्या होगा ना एयर मार देनी चाहिए, हवा मार देंगे तो ये आवाज़ बंद हो जाएगी। अभी मैं दिखाता हूँ ये भी आपको, यहाँ हवा मारेंगे हम, अब इस पे छेद पे हवा मारनी चाहिए, बस 2-4 सेकंड हवा मार के हटा लेना चाहिए। अब मैं आवाज़ सुनाता हूँ आपको, नहीं है ना, तो गाड़ी ओके हो गई है। अब टाइमिंग बेल्ट वैसे इसकी चेंज होनी चाहिए, तभी आती है यार आवाज़ वो, ठीक है दोस्तों। अब देना है इसको फिनिशिंग, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे इसको फिक्स करने में। तो ये इसके लिए मैं कभी दोबारा वीडियो बना दूंगा, मेरा पर्पज़ ये था कि आज गाड़ी स्टार्ट कैसे होगी मैं ये दिखाना चाह रहा था।
अभी हम क्या करेंगे, इसको जब पूरा टाइट करेंगे ना, टाइट करते ही ऑटोमेटिक बोल्ट ऊपर से टूट जाएंगे, ठीक है। तो टूटने के बाद अब गाड़ी तो स्टार्ट हो गई, अब हम कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। बस मैं यार इसलिए डालता हूँ वीडियो, अगर आप कोई भी मेरी वीडियोस को देखे, मैं 100% जेन्युइन डालता हूँ, बिल्कुल गाड़ी के अंदर घुस के, ठीक है। डायग्नोस करने की बहुत ज़्यादा वो होती है मेरे अंदर, यार डायग्नोस करूँ कुछ नया सीखूँ, और जो मैं कुछ नया सीखता हूँ वो यूट्यूब पे डालता हूँ आप सब लोगों के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।